Hey everyone, I'm Meera Kataria and welcome back to my channel The Wow Factor. So friends, आज इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं। Hey everyone, I'm Meera Kataria and welcome back to my channel The Wow Factor. So friends, as we all know कि राखी आ गई है, बस कुछ ही दिन बाकी हैं राखी में, कुछ ही दिन क्या मतलब दो दिन ही बाकी हैं राखी में, और राखी की तैयारियां हर बहनें बहुत ही ज़ोरों शोरों से करती है। तो जैसे कि हमारा ओजस है, उसकी फर्स्ट राखी है ये, तो ओजस के लिए हमने क्या क्या तैयारियाँ की है कि उसकी पहली राखी है, तो उसकी पहली राखी हम किस तरीके से सेलिब्रेट करने वाले हैं, दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट दैट। तो हम लोग इस वीडियो में, मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ कि हमने ओजस की फर्स्ट राखी के लिए क्या क्या तैयारियाँ की हैं, क्या क्या चीज़ें ली हैं। एक चीज़ें फर्स्ट सेकेंड थर्ड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमेशा एक यादगार रहती हैं चीज़ों की, कि हम उन यादों को संजो के रखते हैं कि हमने ओजस की फर्स्ट राखी जब वो बड़ा हुआ तो उसकी फर्स्ट राखी हमने कैसे बनाई, राइट चैसलिन? यस। तो आपको अपने ब्रदर से क्या गिफ्ट चाहिए? मुझे चाहिए टेडी। टेडी, यू हैव सो मैनी टेडीज। एनी वेज, आपको टेडी मिल जाएगा। मैं लूंगा उसके लिए प्लांट। प्लांट, वेरी गुड। तो जैसलिन को मम्मा के जैसे प्लांट का बहुत शौक है, जब मम्मा भूल जाती है प्लांट्स को पानी देना तो जैसलिन देती है, राइट जैसलिन? यस। और बहुत अच्छे से देती है प्लांट्स को पानी। तो एनीवेज, हम लोग वैसे तो मैंने सारी तैयारी कर ली है, जो उसकी सिस्टर्स हैं, उसकी जो छह सिस्टर्स हैं इंक्लूडिंग जैसलिन, उनके लिए हम लोगों ने क्या क्या गिफ्ट्स लिए हैं और किस तरीके से हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं। साथ ही साथ जो ओजस की बुआ है, मतलब हमारी जो दीदी हैं, उनके लिए क्या लिया है, साथ ही साथ उन्होंने मासी के लिए भी कुछ ना कुछ लिया है, और जो उसकी बहनें हैं उनके उनको हम क्या गिफ्ट देने वाले हैं, ये सब इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। फिर हमारी जो तैयारी है, एक मिनट, जो हमारी तैयारी है राखी की वो कैसी चल रही है, इस वीडियो में आपको यही दिखाने वाली। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। हाँ जी बोलिए। मैं बोल रही थी कि आपने वो वीडियो मैं प्लांट कर रही थी, फ्लावर वाली नहीं। अच्छा, प्लांट वाले। अच्छा ठीक है, मैं इस वीडियो में, इस व्लॉग में वो वीडियो आपने देखा होगा ना? नहीं, वो इंस्टाग्राम पे है बेटा, वो यूट्यूब पे नहीं है। एनी वेज, जैसे भी है मैं उस वीडियो को ज़रूर ऐड कर दूंगी आगे, ताकि आप जैसलिन जिस वीडियो की डिमांड कर रही है वो आप वीडियो ज़रूर देखेगा। बहुत ही प्यारी क्यूट सी वीडियो है, मैसेज वाली वीडियो है बच्चों के लिए स्पेशली। तो चलिए फिर चलते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। बाय बाय। चलिए दिखाती हूँ कि क्या क्या तैयारियाँ की है ओजस की फ़र्स्ट राखी के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं राखियों की। राखियाँ मैंने कस्टमाइज़ करवाई हैं, स्पेशली ओजस की फ़र्स्ट राखी है तो इसलिए। तो जैसे ये राखी है जो जैसलिन है वो अपने ब्रदर्स को बांधेगी, ठीक है, तो ये कस्टमाइज़ कराई गई है। जैसे एक ब्रदर है उसका समर्थ, सोमू, विहान, ये है उसका अर्जुन भाई, और जयेश, और उसका ओजस भाई। मैं आपको एक राखी फॉर एग्जांपल के लिए खोल के दिखाती हूँ कि किस तरीके से राखी दिखती है। ये राखी कुछ ऐसे दिखेगी, ये देखिए कितनी प्यारी राखी है ना। और राखी के जैसे ये राखी है कस्टमाइज़ कराई गई है, मेरी एक बहुत ही अच्छी फ्रेंड है, वो कस्टमाइज़ करती हैं चीज़ों को। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली, अपने ओकेजन के अकॉर्डिंगली उससे कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। अपने पैटर्न कोई भी उसको बता दीजिए, वो आपको एज इट इज़ पैटर्न बना के दे देगी। मैं उसका जो लिंक है वो अपने सब्सक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके चेक कर लीजिएगा, ज़रूर चेक कीजिएगा। बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं वो, बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत नीट एंड क्लीन काम है, आप देख ही रहे होंगे। तो ये भाई बहन है, ठीक है, ये ओजस जैसे जैसलिन अपने भाई को बांधने वाली है राखी, तो ये कस्टमाइज राखी है, बहुत प्यारी लगती है। वैसे तो राखियाँ मार्केट में बहुत सारी होती है, लेकिन इस तरीके से अगर अपनी राखी पर अपना नाम लिखा हो तो एक अलग ही फील आता है। तो आप इस राखी को बाद में एज इट इज़ उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे फ्रिज में मैग्नेट यूज़ करते हैं, इसके पीछे मैग्नेट चिपक जाएगा और आप इसको हमेशा के लिए, फॉर एवर योर लाइफ टाइम के लिए इसको सेव करके रख सकते हैं अपने पास। तो ये तो बात हुई राखी की जो जैसलिन अपने भाइयों को बांधने वाली है। ये एक स्पेशल राखी दी है रितु ने, जो मेरी फ्रेंड है जो ये राखियाँ बनाती है, ओजस के लिए स्पेशली दी है, कि उसने बोला था कि ओजस को मेरी तरफ से ज़रूर बांधना ये राखी को। तो रितु, डेफिनेटली मैं ये राखी ज़रूर बांधूंगी ओजस को, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव, सीरियसली।
एंड उसके बाद बारी आती है और राखियों की। अगर मैं बात करूँ तो मैंने अपने भाइयों के लिए राखियाँ ले ली हैं, तो ये राखी मैंने यहीं पे हमारे मार्केट है रोहिणी में राजसंस करके, वहाँ से मैंने परचेज़ करी है। बहुत अच्छी राखियाँ मिलती हैं, जैसे कि एक ये बैंड है, बहुत सुंदर बैंड लगा मुझे, तो मैंने अपने भाई के लिए ले लिया। और ये जो ये ट्रेड दे जो आप देख रहे हैं, ये भी रितु ने ही बनाई है, बहुत अच्छी ट्रे, ये मैंने लास्ट ईयर बनवाई थी तो ये अभी तक चल रही है, बहुत सुंदर लगती है। और उसके बाद आते हैं कि ओजस अपनी सिस्टर्स को रिटर्न गिफ्ट में क्या देने वाला है। तो ये देखिए मैंने कुछ इस तरीके से मग्स बनवाए हैं, उसकी 5 सिस्टर हैं तो उनके लिए मग्स बनवाए हैं। जैजलिन है, जैजलिन के लिए पहले से मग बना हुआ है, मतलब टोटल उसकी 6 सिस्टर हैं तो ऑलरेडी उसका मग बना हुआ है, तो ये इस तरीके से मैंने मग बनवाए हैं। देखिए मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, जैसे कि एक ये मग है जो उसकी एक दीदी है, न्यासा दीदी है, तो ये ओजस है और ये इसकी न्यासा दीदी है, और इसके पीछे एक मैसेज भी है। जी हाँ, थैंक यू फॉर बीइंग माय सिस्टर ओजस। तो ये ओजस की तरफ से उसकी सिस्टर को, जो भी उसकी सिस्टर उसको राखी बांधेगी उसको गिफ्ट है, इसको मैं फिल करने वाली हूँ कैंडी से, जो भी उनकी फेवरेट कैंडी होगी उससे, चॉकलेट से, कैंडी से फिल करने वाली हूँ, तब मैं उनको ये गिफ्ट करने वाली हूँ। मतलब ओजस अपनी तरफ से अपनी सिस्टर्स को गिफ्ट करेगा, है ना क्यूट। तो ये जो मग है ये भी रितु ने ही बनाया है, कितना क्यूट लग रहा है, नीट एंड क्लीन है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो आप भी कुछ इस तरीके से चीज़ें तो हम लोग वैसे करते ही रहते हैं, लेकिन अगर जैसे मैंने पहले बताया कि अगर उन चीज़ों पे हमारा नाम लिखा हो तो और ज़्यादा स्पेशल फील होता है। तो ये तो ले ली गई है बच्चों के लिए, और साथ ही साथ जो दीदियाँ हैं हमारी, मतलब दोनों दीदी हैं, बुआ है, मासी है और बच्चे हैं, उनके लिए, क्योंकि ओजस की फर्स्ट राखी है तो हम नहीं चाहते थे कि थोड़ा सा नॉर्मल बने, थोड़ा सा हम चाहते थे कि सबको गिफ्ट्स मिलने चाहिए, तो इसलिए हमने दीदी के लिए गिफ्ट ले लिए हैं। सूट्स हैं टेक फैब करके एक ब्रांड है, हम मोस्टली वहीं से ही लेते हैं क्योंकि डिज़ाइंस बहुत अलग होते हैं उनके, मटेरियल बहुत अच्छा होता है, प्लस उनके जो प्राइस हैं वो भी मतलब हमें दूसरों से बहुत ज़्यादा ठीक लगते हैं, वर्थ लगते हैं। अगर हम स्पेंड भी कर रहे हैं, ज़्यादा भी स्पेंड कर रहे हैं तो वर्थ लगता है स्पेंड करना। तो इस तरीके से हमने, जैसे कि मैं आपको कोई एक सूट निकाल के दिखाती हूँ, ये देखिए जैसे ये वाला सूट है, बहुत सुंदर सूट लगते हैं, इनके जो दुपट्टे हैं बहुत प्यारे दुपट्टे हैं, सारे मैंने खुद पसंद कर के लिए हैं। तो इस तरीके से हमने दीदियों के लिए ले लिया है। एक सूट इसमें है, बॉम्बे सेलेक्शन से लिया था हमने, हमें अच्छा लगा था, बॉम्बे सेलेक्शन में हमें इतना ज़्यादा ठीक नहीं लगा था क्योंकि सेल चल रही थी तो सब कुछ निकल चुका था, तो एक सूट फिर भी हमने ले लिया, ऑर्गेंजा आजकल काफ़ी इन है तो हमने एक सूट ऑर्गेंजा देख लिया है। जो भी दीदी को उनमें से पसंद आएगा वो चूज़ कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंगली, तो हम लोग उनको ये वाली चीज़ गिफ्ट करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं दीदियों को दो चीज़ और गिफ्ट करने वाली हूँ, वो है ये सरिता दी के लिए और ये है गीता दी के लिए। तो ये बड़ी दीदी हैं और ये छोटी दीदी हैं, तो दोनों के लिए सेम गिफ्ट लिया है। ये मैं अभी नहीं रिवील करने वाली हूँ कि इसके अंदर क्या है, ये जब दीदियाँ देखेंगी तो अपना मुझे रिव्यू देंगी कि उनको ये गिफ्ट कैसा लगा, उनको पसंद आया या नहीं आया। तो ये गिफ्ट उनके लिए है और राखियाँ ले ली हैं, ये इस तरीके से हमने रोली मोली जो लेते हैं वो ले ली है और ऑलमोस्ट पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। स्पेशल डे है तो ड्रेस भी स्पेशल होना चाहिए, तो इसीलिए मेरे ओजस के फर्स्ट राखी पे हम अपने ओजस को पहना रहे हैं ये ब्यूटीफुल सी प्यारी सी कस्टमाइज्ड ड्रेस। इस पे लिखा हुआ है, ये जैजलिन के लिए टी शर्ट है जिसपे लिखा है फूलों का तारों का सबका कहना है 1000 में मेरी बहना है। तो ये ओजस एंड जैजलिन के लिए है, देखिए बहुत ही क्यूट सी ड्रेस है, और ये मेरी जैजलिन के लिए 4 to 5 ईयर आप देख रहे होंगे, तो ये जैजलिन के लिए है, और ये 6 to 9 मंथ्स जो है मेरे ओजस के लिए है। बहुत ही प्यारी ड्रेस है, इसके बाद जब ये पहनेंगे, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं कपड़े जल्दी गंदे करते हैं, तो जब राखी बांधेंगे तो स्पेशली मैं उनको पहनाने वाली हूँ ये। जी हाँ, मैंने ओजस के लिए लिया हुआ है, उसकी नानी ने दिया था उसके लिए गिफ्ट, तो ये है पजामा कुर्ता वाइट कलर का, तो इसके साथ पजामा भी है और धोती भी है। ये अभी इतना क्यूट लग रहा है, पहनने के बाद कितना क्यूट लगने वाला है आई कैन इमेजिन। तो ये इसका कुर्ता है, और साथ ही साथ अगर भाई वाइट पहन रहा है, कि जैसे कि आपने देखा ब्लैक और ब्लैक पहन रहे हैं, अगर यहाँ पे वाइट पहन रहे तो सिस्टर भी वाइट ही पहनेगी। जी हाँ, तो जैजलिन के लिए मैंने इस तरीके से एक सूट परचेज़ किया है, फर्स्ट क्राई से लिया है, बहुत प्यारा सूट है, बहुत सुंदर सूट है, इनफैक्ट गर्मी के लिए बहुत अच्छा है, गर्मी है वैसे और बच्चों को थोड़ा सा कंफर्टेबल चीज़ें चाहिए होती है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने बहुत ही कंफर्टेबल सा सूट अपनी जैजलिन के लिए मंगवाया है। इस पर भी देखिए 4 to 5 है,
ये एक कोई इंडियन ब्रांड है बसी करके, लिटिल बसी, तो ये वहाँ से मंगवाया, बहुत सुंदर है। और ये इसके साथ का दुपट्टा है, बहुत सुंदर सूट है। मैं आपको दिखाऊंगी जब जैस्लीन और ओजस पहन के रेडी हो जाएंगे, तो यहाँ पे उनकी ब्लैक कलर की ड्रेस भी रेडी है, एंड जब वो राखी टाइप करेंगे तो उसके लिए वाइट कलर की ड्रेस भी रेडी है हमारी जैस्लीन और ओजस के लिए। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। मैंने दिखाया आपको किस तरीके से मैंने ओजस की फर्स्ट राखी की तैयारियाँ करी है, और चाहती हूँ कि ओजस की जो जितने भी फेस्टिवल्स हों उनको इसी तरीके से कैप्चर करूँ, ताकि जब वो बड़ा हो तो वो देखे और खुश होए, उसको अच्छा लगे कि हाँ मैंने अपनी फ़र्स्ट राखी कैसे मनाई थी, फ़र्स्ट दिवाली कैसे मनाई थी, फ़र्स्ट होली कैसे मनाई थी। तो इस तरीके से मैंने ये प्लान करके रखा हुआ है। हालाँकि जैसे भी चीज़ें होती रहेंगी मैं आपको अपडेट करती रहूँगी, दिखाती रहूँगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते तो प्लीज़ अभी जाके कीजिए, क्योंकि आपको इंस्टाग्राम पर मेरे जो भी यू नो डे टू डे अपडेट्स होती है, अप टू डेट आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मिलेगी। तो आप ज़रूर जाके मुझे वहाँ पे फॉलो कीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छी वीडियोस वहाँ पे देखने को मिलेंगी, कंटेंट मिलते हैं आपको वहाँ पे देखने के लिए। तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा, और ये वीडियो अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही, अभी बहुत चीज़ें बाकी हैं। मैं सोच रही हूँ मेहंदी, अभी बेबी छोटा है, मेहंदी लगवाऊँ बाहर से या खुद लगाऊँ या नहीं लगाऊँ, अभी मुझे पता नहीं है, अभी डिसाइड नहीं किया। अगर होगा तो इंस्टेंटली वो मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। तो अभी के लिए इतना ही, मैं मीरा कटारिया सेइंग बाय टू ऑल, एंड प्लीज़ टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।